हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। प्रेजेंट केस में एसएससी के ऊपर सेक्शन 276C जो कि विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स के केस में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है, और सेक्शन 277 जो कि फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन के केस में एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाए जाने के बारे में बात करता है, उसका जिक्र हुआ। केस का नाम TVH एनर्जी रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। यह केस 460 ITR पेज नंबर 433 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर ₹1.19 करोड़ का इसलिए एडिशन किया गया था कि एसएससी अपने एक्सपेंसेस के सोर्स को सही से डिस्क्लोज नहीं कर पाया था। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने इस इशू पर एसएससी के अंगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर दी थी। जब एसएससी का एडिशन किया गया तो सेम इशू पर एसएससी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई, और जब पेनल्टी का मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल ने यह पाया कि एसएससी के ऊपर ₹1.19 करोड़ का जो अमाउंट था, जो एसएससी अपने एक्सपेंसेस का सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर पाया था, उस इशू पर एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं बनती। लेकिन डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली एसएससी के अंगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो चला रहा था, और जब इस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स का मैटर मद्रास हाईकोर्ट के सामने था तो मद्रास हाईकोर्ट का कहना यह था कि क्योंकि प्रेजेंट केस में सेम फैक्ट्स एंड सर्क्यूमस्टांसिस के आधार पर एसएससी की पेनल्टी को ट्रिब्यूनल के बाद के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो सेम फैक्ट्स एंड सर्क्यूमस्टांसिस पर एसएससी के अंगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन है वो सस्टेन नहीं कर सकता, और इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन किया। नटशेल के अंदर यह कहा जा सकता है कि यदि सेम इशू पर ट्रिब्यूनल पेनल्टी को डिलीट कर चुका है तो एसएससी के अंगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो अब कंटिन्यू नहीं रहेंगी। साथ ही साथ इस केस में पार्ट अवे करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ जर्नल गाइडलाइंस जो कि वेरियस जुडिशियल जजमेंट्स के द्वारा हैं उनका जिक्र किया। सबसे पहले कोर्ट का यह कहना था कि जो एडजुडिकेशन और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो साइमल्टेनियसली चलाई जा सकती हैं। कानून के अंदर इस चीज का कोई बार नहीं है कि यदि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कहने का मतलब यदि क्वांटम डिमांड लिटिगेशन के अंदर है तो साथ ही साथ एसएससी के अंगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी चलाई जा सकती हैं। दूसरा कोर्ट का यह कहना था कि यदि जो क्वांटम डिमांड है, जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं, उनके अंदर यदि अभी डिमांड कंफर्म नहीं हुई है तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, और यदि वो डिमांड अभी कंफर्म नहीं भी हुई है हायर अथॉरिटीज के द्वारा तब भी एसएससी के अंगेंस्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। नटशेल में कोर्ट का यह कहना था कि जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं और जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं यदि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा की जाती हैं तो वो एक कंपीटेंट कोर्ट के द्वारा प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं मानी जानी चाहिए आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 के मुताबिक या सेक्शन 300 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के मुताबिक। लास्ट में कोर्ट ने यह कहा कि जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं उनका नेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को डिसाइड करने में। उदाहरण के तौर पर यदि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स एसएससी के फेवर में जाती हैं, और वो इसलिए जाती हैं कि यदि वो टेक्निकल ग्राउंड की वजह से एसएससी जीत जाता है, उदाहरण के तौर पर
यदि एसएससी के असेसमेंट ऑर्डर इसलिए क्वेश्चन कर दिए गए कि उन असेसमेंट ऑर्डर्स में डिन नंबर नहीं था या वो विद इन लिमिटेशन पीरियड पास नहीं किए गए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो सस्टेन कर सकती हैं। लेकिन यदि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स मेरिट पर एसएससी के फेवर में डिसाइड हुई है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी की जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स है वो भी ड्रॉप की जानी चाहिए, वो कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है टीवीएच एनर्जी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 460 आईटीआर पेज नंबर 433 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।